हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी बी फैशन। आज के इस वीडियो में हम बोट नेक के साथ आर्मोल की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आर्मोल का निशान पहले ही लगा लिया और कटिंग भी कर ली है। तो आर्मोल हमने लिया है 7 इंच और बोट नेक में हम तीरा लेते हैं, फुल तीरा लेते हैं 7 इंच। अगर नॉर्मल नेक हम बना रहे हैं तो 6-6.5 इंच ले लेते हैं और बोट नेक में लेते हैं 7 इंच। अब नेक के लिए निशान लगाएंगे तो नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 4.5 इंच और नेक की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो। 3 इंच रखना चाहते हो, 4 इंच, 4.5 इंच, जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। मैंने लिए यहाँ पे 4.5 इंच। 4.5 इंच लेने पे हमारा बोट नेक थोड़ा डीप बनेगा। अगर आपको हाई नेक चाहिए, बोट नेक में डीप नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे 3.5 इंच लेना होगा। तो अब इस तरीके से निशान लगाने के बाद हल्की सी शेप डालेंगे। नॉर्मल जो हम नेक बनाते हैं उसमें हम ज़्यादा शेप डालते हैं, इसमें बहुत कम शेप डालते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर निशान थोड़ा कम दिखाई दे रहा, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तब दिख जाएगा, कोई बात नहीं। अब हमें लगाना है आर्मोल की तरफ निशान 1/2 इंच पे। तो ये देखिए 1/2 इंच पर निशान लगा लिया हमने और इसको ऐसे मिला लेंगे नेक की तरफ तिरछा लेते हुए। ये 1/2 इंच हम डाउन करते हैं जब हम बोट नेक या फिर कॉलर नेक बनाते हैं, उसमें हम ज़रूर डाउन करते हैं। अगर आप बना रहे हो डीप नेक बैक वाला 8-9 इंच में बना रहे हो तो डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर अपने आप ही वो इधर से डाउन हो जाता है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ का याद रखिएगा, हमने कटिंग ऊपर वाली परत में ही की है, अभी बैक साइड में कटिंग हमने नहीं की है। बैक साइड में अब कटिंग करेंगे 1/2 इंच ऊपर बढ़ा के। तो बैक साइड को हम 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे, इससे जो हमारे आर्मोल होते हैं उसकी शेप बिल्कुल दोनों साइड की बराबर आती है। कई बार क्या होता है, फ्रंट आर्मोल हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है और बैक आर्मोल कम होता है, वो इसी वजह से हो जाता है। और इस तरीके से आप रखोगे तो बिल्कुल आपकी बाजू की जो बीच वाला सेंटर होता है वो बिल्कुल कंधे के ऊपर ही आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों नेक की कटिंग एक साथ कर ली है और बैक नेक थोड़ा सा हमारा 1/2 इंच पड़ा रहेगा। अब लगाएंगे फ्रंट साइड के आर्मोल के लिए निशान। तो उसके लिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। आपका जो भी साइज है आपको 6 इंच पे निशान लगा लेना है और इस लाइन को यहाँ से ऊपर की साइड तिरछा लेते हुए मिला लेना है। और अब यहाँ से भी मिला के फ्रंट साइड के आर्मोल की इस तरीके से हल्की सी शेप डाल के कटिंग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट आर्मोल। अब हम नीचे वाले दो परत को छोड़ के और ऊपर वाले दो परत में हम फ्रंट साइड के लिए कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट साइड की कटिंग हो जाएगी और जो हमारा बैक आर्मोल दिख रहा है आपको, थोड़ा अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसको थोड़ा कट कर लीजिए, बाद में कट हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है कम्प्लीट। अब चलिए बुकरम पर नेक कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, इसको मैंने डबल कर लिया पहले ही, देखिए। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, हमने दोनों नेक निकालनी है, बैक एंड फ्रंट। तो ये देखिए 1/2 इंच एक साइड से हमने बुकरम को ज़्यादा रखा है, ये बैक नेक के लिए रखा है, बैक नेक हमारा 1/2 इंच ज़्यादा है तो इसलिए बुकरम को भी हमने पहले ही 1/2 इंच ऊपर बढ़ा के रख लिया है। अब इससे ऊपर से मिला के रखेंगे और ऊपर हम 4.5 इंच पे ही रखेंगे बुकरम में भी। तो एक बार नाप के देख लीजिए, अगर आपका कम आ रहा है थोड़ा सा या ज़्यादा आ रहा है तो बिल्कुल 4.5 इंच पर बराबर कर लीजिए। तो ये देखिए थोड़ा हमारा कम है तो इसे और खींचेंगे थोड़ा सा, और इसे हमने 4.5 इंच कर लिया है। अब इस पर लगा लेंगे शेप का निशान। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन के लिए 1 इंच के करीब निशान लगा लेंगे, ये हो जाएगा मार्जिन। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए एक साथ में हमारे दोनों नेक की कटिंग हो जाएगी, बैक एंड फ्रंट। तो ये देखिए जो थोड़ा छोटा है वो हमारा फ्रंट नेक है और ये बड़े वाला हमारा बैक नेक है। चलिए अब ने सिलते हैं। तो सबसे पहले हम एक कपड़ा लेंगे, उस कपड़े पे हम निशान लगाएंगे 9 इंच पे बीच में बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पर निशान लगाया, अब दूसरी साइड हम बिल्कुल 9 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान हम क्यों लगा रहे हैं, बोट नेक है, अगर इधर उधर थोड़ा सा भी खिंच जाएगा तो थोड़ा सा ऐसा लंबा सा हो जाएगा एक साइड से, तो इसलिए हम पहले ही कपड़े पर निशान लगा लेंगे। और अब नेक को यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल बीच में इस तरीके से, दोनों लाइन को मिलाते हुए, और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे दोनों कोनों पर। तो ये देखिए लंबी सिलाई लगा लेंगे पहले दोनों साइडों पर, ताकि अच्छे से एक जगह सेट हो जाए। अगर आपका जो बुकरम है वो पेस्टिंग वाला है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उससे प्रेस से चिपका के आप आराम से बना लीजिए। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये वाली सिलाई लगाने के बाद, अब हमारा पेस्टिंग वाला बुकरम है नहीं तो हमें ऊपर से भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ से बिल्कुल नेक लाइन से लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे पहले। पेस्टिंग वाले बुकरम में हमें इस तरीके से सिलाई लगानी नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको हम प्रेस से अच्छे से अटैच कर लेते हैं, फिर बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके जो मार्जिन होता है उसको ही सिलते हैं। और जो नॉर्मल बुकरम होती है उस पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये सिलाई लगाने के बाद अब हम बीच वाले कपड़े को और साइडों से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। तो साइड में बिल्कुल 1/2 इंच के करीब कपड़ा छोड़ते हुए हम बाकी कपड़े को कट कर लेंगे।
अब अंदर की साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, बिल्कुल बुकरम से मिलाते हुए कट करना है यहाँ पे। तो देखिए बिल्कुल मिला के कट करेंगे, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। अब यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके पूरे पे सिलाई लगाएंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई को लगा लेना है। अब हमें कुर्ती वाली नेक को लेना है और बिल्कुल बीच से रखना है, और जो हमारी बुकरम वाला नेक है इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जो इसका बीच है उसको बिल्कुल इस तरीके से देखेंगे और कुर्ती वाले नेक के ऊपर बिल्कुल बीच में मिला के रख लेंगे। और यहाँ से हल्की सी सिलाई लगा लीजिए या आप फिर पिन लगा लीजिए, जिससे कि सेंटर यहाँ पर बिल्कुल फिक्स रहे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब ऊपर से बिल्कुल मिला के रखेंगे। मिला के रख लिया यहाँ से, अब हल्का सा मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। और नीचे जो कपड़ा है वो थोड़ा हमारा लूज दिख रहा है तो उसको एडजस्ट करके लेना है बुकरम के बिल्कुल साथ बराबर, ताकि एक जगह कहीं झोल इकट्ठा ना हो जाए, एक जगह कोई कपड़ा इकट्ठा ना हो जाए। तो अब यहाँ से छोटे छोटे कट लगा लेंगे पूरे नेक में। ये तो हम सभी नेक में लगाते हैं, राउंड नेक में भी सभी में छोटे छोटे कट लगाने जरूरी होते हैं, सिर्फ फिनिशिंग अच्छी आती है बाहर की तरफ। तो दोनों साइडों में कट लगा लिए, दोनों नेक को हमने बना लिया है। नीचे हमने रख लिया है बैक नेक को और ऊपर से हमने रखा है फ्रंट नेक को। अब बैक नेक वाली ये जो बुकरम वाली पट्टी है इसको खोल के रखेंगे इस तरीके से, और फ्रंट नेक वाली को अंदर की तरफ मोड़ के रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे, फिर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपका बैक नेक है वो हमें नीचे रखना है और फ्रंट नेक ऊपर रखना है, और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। वैसे आप एक साथ में भी सिलाई को लगा सकते हो, एक साथ में भी बुकरम को फोल्ड कर सकते हो, लेकिन किसी का मुझे कमेंट आ रखा था कि हमें एक साथ जब फोल्ड करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो खिसक जाता है एक साइड से, और एक साइड हमारी ज़्यादा हो जाती है और एक साइड कम रह जाती है। तो इसलिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ, ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपका कोई कपड़ा खिसकेगा नहीं, एकदम आसानी से आप सिलाई को लगा लोगे। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, तो उसमें हमें क्या करना है, ये देखिए सिलाई को लगा लेंगे और जो हमने बुकरम बाहर की तरफ निकाल के रखा है उसको फोल्ड करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे, तो इससे कपड़े का खिसकने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पहले एक सिलाई लगा के कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। अब ऊपर से सिलाई लगा के नेक को सेट कर लेना है। तो इसी तरीके से दूसरे साइड में भी ये सिलाई लगाएंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करके और सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है, अलग से सिलाई नहीं लगानी है। ये सबसे आसान तरीका है शोल्डर को अंडरग्राउंड जॉइंट करने का। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है। अब इस कपड़े को हम खोलेंगे तो इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल आसानी से ऐसे खींचने से हमारा नेक सीधा हो जाएगा, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी, कोई कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा, बिल्कुल बराबर लाइन आएंगी दोनों, ये देखिए। और इससे एक और फ़ायदा होता है, जो आप अलग से सिलाई लगाते हो ना पहले, उससे क्या होता है हमारा जो बुकरम है वो बिल्कुल ऐसे अटैच हो जाता है, आपको तुरपाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में। ये देखिए बिल्कुल अटैच हो गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा फुल नेक हो गया है रेडी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पूरे नेक के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे सिलाई की, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल किनारे से लेके सिलाई को लगा लेंगे, बैक एंड फ्रंट दोनों साइडों में हमें ये सिलाई लगानी है। और अगर आपको पुरानी सलवार में से प्लाजो पैंट बनाना सीखना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ चेक कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीका बताया है पुरानी सलवार में से प्लाजो बनाने का, तो इस वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग का भी लिंक इस वीडियो में ही मिल जाएगा आपको, उस वीडियो को नीचे जाइए और डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा फुल नेक बनके हो गया है रेडी। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बनके रेडी हो गया है। अब ये देखिए बैक नेक हमारा थोड़ा डीप है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।